अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। खैर, रियलमी जो है ना वो काफी टाइम से खामोश बैठा हुआ है। पिछले 2-2.5 महीने से रियलमी ने पाकिस्तान में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया सिवाय रियलमी 9 4G के। बजट के अंदर तो बिल्कुल ही खामोश हो गया। बजट के अंदर रियलमी अपना कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहा, काफी टाइम से खामोश बैठा है, 2-2.5 महीने से खामोश बैठा है। लेकिन अब रियलमी जो है ना वो ज्यादा देर खामोश नहीं रहने वाला। बहुत ही जल्द हमें रियलमी के बजट सीरीज के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली एक स्मार्टफोन सामने आया है रियलमी की तरफ से, रियलमी C33, जो कि 6 सितंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और भाई डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ ये स्मार्टफोन हमें पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं रियलमी के बजट सीरीज के स्मार्टफोन्स का, तो देखो इस वीडियो के एंड तक। सारी चीजें क्लियर करता हूं कि भाई रियलमी C33 कब आने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, आप लोगों को पता है कि भाई पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। एक तो सैलाब आया हुआ है, सैलाब से अल्लाह पाक निजात अता फरमाए। एक तो सैलाब आया और दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल ही नहीं हो रही। डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा था लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन इतना भी ज्यादा नीचे नहीं आया। स्मार्टफोन अभी भी आप लोगों को काफी ज्यादा महंगे देखने को मिल रहे हैं। तो भाई आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि भाई जो अपकमिंग स्मार्टफोन होंगे वो सस्ते लॉन्च किए जाएंगे, तो भाई ऐसा सीन नहीं होने वाला। आप लोगों को प्राइसेस जो है वो हाई ही देखने को मिलेंगी। जैसे रिसेंटली रियलमी ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था रियलमी C35, जो कि ऑफलाइन मार्केट से 31,500 का मिलता था, अब तकरीबन वो 38,000-39,000 रुपए का आपको मिल रहा है, जो कि स्टिल ओवर प्राइस है, 4128 वाला वेरिएंट है। तो भाई ये जो रियलमी C33 होने वाला है ये भी आप लोगों को 30,000 से ऊपर की प्राइस में ही देखने को मिलेगा। क्या स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो भाई यहां पर आप लोगों को एक 6.6 इंचेस का एक IPS पैनल देखने को मिलेगा विद फुल HD+ रेजोल्यूशन। ये अभी कंफर्म नहीं है कि भाई फुल HD की रेजोल्यूशन होगी या फिर HD की रेजोल्यूशन के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहां पर आप लोगों को कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं दिया जाएगा, फुल HD वाला डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में किसी किस्म की कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। एंड भाई नोच डिस्प्ले के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जिसकी मदद से आप लोग 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिजाइन के हवाले से बात करूं तो स्मार्टफोन का डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। फर्स्ट लुक में ही स्मार्टफोन का डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद है। बैक होगी प्लास्टिक की, लेकिन यहां पर जो आप लोगों को डिजाइन देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। यहां पर जो आप लोगों को डिजाइन देखने को मिलेगा वो रियलमी 9i 5G जैसा होने वाला है। सेम वैसा ही डिजाइन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आप लोगों को दो मजीद कलर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ये वाला डिजाइन कैसा लगा है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मुझे भाई तीनों कलर ही बहुत ज्यादा प्यारे लगे हैं, खासतौर पर जो ब्लूइश कलर है ना वो कुछ ज्यादा अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को इन तीनों कलर में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। खैर, डिजाइन और डिस्प्ले तो ठीक ठाक होने वाला है, लेकिन ये चीज डिपेंड करेगी स्मार्टफोन की प्राइस पर। देखते हैं कि भाई रियलमी वाले स्मार्टफोन को पाकिस्तान में कितनी प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं। डिजाइन ठीक ठाक होने वाला है। अब बात करते हैं बैक कैमरास की। तो स्मार्टफोन के बैक पर दो कैमरे देखने को मिलेंगे, लेकिन कैमरा के आसपास आप लोगों को कोई भी कैमरा बंप देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कैमराज ही देखने को मिलेंगे, यानी कि सेंसर देखने को मिलेंगे। ऊपर आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया जाएगा और नीचे आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। और आप लोग इन दोनों कैमरे की मदद से 1080p में 30fps पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन के हवाले से बात करूं तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 आएगा। रियलमी का अपना UI देखने को मिलेगा, रियलमी UI 2.0। चिपसेट की बात करूं तो चिपसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर अभी तक चिपसेट जो है वो कंफर्म नहीं किया गया। देखो यार, 3 चिपसेट जो है ना वो स्मार्टफोन के अंदर लगाए जा सकते हैं। चिपसेट जो है वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं कि भाई 3 चिपसेट हो सकते हैं जिनमें से आप लोगों को कोई एक आधा चिपसेट जो है ना वो स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। पहला चिपसेट यूनिसोक की तरफ से हो सकता है, यूनिसोक T616 वाला हो सकता है। इसके अलावा दूसरा चिपसेट स्नैपड्रैगन 680 वाला हो सकता है, या फिर तीसरा जो है ना वो मीडियाटेक जी सीरीज का कोई चिपसेट लगाया जाएगा। यह अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। इसके अलावा डुअल सिम का स्लॉट भी है और साथ ही आप लोगों को डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और भाई बैटरी को डिस्कस करने से पहले मेमोरी वेरिएंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई दो वेरिएंट हो सकते हैं, 4128 या फिर 6128। मुझे लग रहा है कि भाई 4128 वाला वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है कि भाई 4/64 वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया जाए, इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 4128 वाला वेरिएंट आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की। तो ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आएगा, 5000mAh की बैटरी होगी, जिसके साथ आप लोगों को किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अभी फिलहाल यहां पर यही मेंशन है कि भाई कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब लॉन्च होगा तो हो सकता है कि भाई स्मार्टफोन के साथ आप लोगों को 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। सो
ओवरऑल स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करें तो भाई ये स्मार्टफोन जो है ना वो स्पेसिफिकेशन के लिहाज से एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है, जो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 25,000 या फिर 26,000 की प्राइस में लॉन्च करना चाहिए। इससे ऊपर अगर ये जाता है तो भाई ओवर प्राइस होगा, और भाई मुझे पता है कि भाई ये ऊपर ही लॉन्च होगा, 30,000 से ऊपर ही स्मार्टफोन की प्राइस होगी। तो भाई ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है बात। लॉन्च डेट के हवाले से बात करो तो भाई 6 सितंबर को स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, और भाई मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ये स्मार्टफोन हमें पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। आप में से कौन कौन स्मार्टफोन का वेट कर रहा है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।